समझते जाएं तो बहुत आसान होता है। इसमें तीन स्टेप आएगी। हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीन पार्ट पढ़ेंगे इसमें, है ना। इस टेंस में तीन पार्ट पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पार्ट वन में चलते हैं। पार्ट वन में क्या कहता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टेंस का सेंस क्या कहता है, उसके बाद फिर हम चलेंगे। इस टेंस का सेंस कहता है, देखिए, जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से ये पता चले कि कोई क्रिया पास्ट में बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी या हो गई, यानी बहुत पहले पास्ट में बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, ठीक है, तो समझ आ गई। बहुत पहले कोई जब काम ख़त्म हो जाता है पास्ट में तो वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है। जैसे इसका इसमें एग्जांपल्स लिया है, सपना ने स्टेज पर डांस किया था, तो आज नहीं, बहुत पहले किया था, बहुत टाइम हो गया, किया था, तो ये कौन सा बने, किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट में, तो इसको बनाते हैं हम, सपना हैड, स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, सपना हैड डांस्ड सॉरी डांस्ड ऑन द स्टेज, ऑन द, ठीक है, ऑन द स्टेज। देखो इसको ऐसे भी बनाया जाता है, बहुत सारे ऐसे भी बनते हैं, सपना डांस्ड, डांस ऑन द स्टेज, क्लियर, सपना डांस ऑन द स्टेज। ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है ये, है ना। तो दोनों में बनाया जाता है, एकदम सही है, दोनों में बना सकते हैं। तो आप लोग कहोगे कि भाई जब इसमें ही सही हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस सही हो रहा है, तो हम पास्ट परफेक्ट में क्यों पढ़ेंगे, क्यों, क्या ज़रूरी है, है ना, क्वेश्चन तो ये आएगी। तो देखिए इसमें क्यों पढ़ा जाता है, इसके कुछ रीजंस हैं, इसको जानते हैं, पार्ट वन में जानते हैं, पार्ट ए को जानते हैं। पार्ट ए, देखो पार्ट ए का नोट में लिखना है, नोट में लिखो। इसमें दो सेंटेंस हो, पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में दो सेंटेंस हो, इसमें दो सेंटेंस हो और दोनों सेंटेंस एक के बाद दोनों पास्ट में समाप्त हो। दो इसमें क्या आएगी, दो सेंटेंस, पार्ट ए हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो सेंटेंस आएगी, कितनी सेंटेंस आएगी, उसमें से दो अलग अलग सेंटेंस आएगी, एक सेंटेंस बहुत पहले समाप्त होगी, दूसरी सेंटेंस उसके बाद समाप्त होगी, है ना, एक बहुत पहले समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरा उसके बाद समाप्त होगी, और उसके जो बीच के जो कंजंक्शन है, दोनों को सेंटेंस को जो जोड़ेंगे वो किससे जोड़ेंगे, आफ्टर, बिफोर, क्लियर, बिफोर से हम उसको जोड़ेंगे, समझ आ रही है, बिफोर से हम उसको जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं, एक सेंटेंस इस तरह का लेते हैं और फिर हम उसको बनाते हैं, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, एक पार्ट ए का एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा भाई मार्केट जाने से पहले लॉकडाउन इंग्लिश में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, लॉकडाउन
हो चुका था। ठीक है, दो सेंटेंस है। मेरा भाई मार्केट जाने से पहले लॉकडाउन हो चुका था। दो एक्शन हो रही है, दो सेंटेंस है इसमें। मेरा भाई जाने से पहले लॉकडाउन हो चुका था। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। क्या कह रहा है, इसमें दो सेंटेंस हो, इसमें कितने हो, दो सेंटेंस हो, और दोनों सेंटेंस पास्ट में समाप्त हो, पास्ट में समाप्त हो रही है दोनों, है ना, और वो कंजंक्शन जो होगा दोनों के बीच का पहले आया, बिफोर, है ना, ये आ रही। तो ध्यान दो, जो सबसे पहला एक्शन होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, उसके बाद वाला जो यानी सेंटेंस होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्लियर, तो हम इसको बनाते आसान है बस, और दोनों के बीच में बिफोर जोड़ देना है ना। जो एक्शन पहले हुआ है, लॉकडाउन पहले हुआ है, तो इनको बनाते हैं। द लॉकडाउन तो क्या लॉकडाउन हुआ, ये तो एक्शन हो रही है, क्या लॉकडाउन हुआ, मार्केट लॉकडाउन हुआ ना, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, मार्केट हो जाएगी। द मार्केट हैड होगा ना, क्योंकि ये पहले हुआ है, तो ये कौन सा टेंस में बनाना है इसको, पहले वाले को, जो सबसे पहले होगा, पहले वाले को किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में। दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट दूसरे वाले को इंडेफिनिट। ठीक है, क्लियर, तो इसको किस में बनाना है मुझे, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, लॉकडाउन पहले हुआ है, तब मेरा भाई मार्केट गया है। द मार्केट हैड लॉकडाउन बिफोर माय ब्रदर जाने का क्या होगा, हाँ, गो वर्ब टू, दूसरा सेंटेंस है, वेंट टू मार्केट। क्लियर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब इसको मिटा दें, समझ आ गई पूरी बात है। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में क्या है, क्या होता है, पार्ट बी में साइमल्टेनियसली अगर कोई सेंटेंस यानी खत्म हुआ है पास्ट में, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है लगातार, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस, जैसे ये खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट, है ना, ये खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट, इस तरह की अगर आ जाए तो दोनों सेंटेंस, बोथ सेंटेंस मैक किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर, कोई दिक्कत, दोनों सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, राम खाना खाने से पहले अपना हाथ धोया था, बात वही है, है ना। तो देखो, दोनों सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। राम खाने से पहले अपना हाथ धोया, पहला काम क्या किया, हाथ धोया, तो इसको बनाते हैं, बन जाएगा आराम से,
राम वॉज वॉज्ड अपना 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 के लिए क्या होगा अपना के लिए वेरी गुड हिज हैंड बिफोर खाना खाने बिफोर ही ईट फूड ही एट होता है ना वर्ब टू एट एट फूड बन गया आसान है बहुत आसान है सी में चलते हैं मिटा दे इसको समझ आ रही है देखो सी में एक होता है पहले ही बहुत सारे का एक्शन होते हैं पहले ही और दूसरा होता है बहुत पहले है ना बहुत पहले पहले ही और बहुत पहले तो इसके लिए मच अर्लियर होता है इसके ऑलरेडी होता है और इसके लिए बहुत पहले का मच अर्लियर और पहले ही क्या लगाना है ऑलरेडी क्लियर ऑलरेडी मच अर्लियर ठीक है अगर सेंटेंस में आ जाए पहले ही तो इसके लिए क्या लगाना है ऑलरेडी मच अर्लियर क्लियर बस सेंटेंस में अगर इस तरह के आ जाए तो आपको क्या करना है यानी ऑलरेडी होगी तो पहले ही होगी तो ऑलरेडी लगाना है उसके हेड के बाद अगर पहले ही होगा तो हेड के बाद क्या लगाना है ऑलरेडी लगाना है अगर बहुत पहले होगा तो लास्ट में लगाना मच अर्लियर ट्राई कर देते बनाना आपको है ठीक है तो देखो हम लोग के स्टेडियम पहुंचने से पहले भारत ने मैच जीत लिया था हम लोग के स्टेडियम पहुंचने से पहले भारत ने मैच जीत लिया था क्या ये साइमल्टेनियसली है या नहीं नहीं ये साइमल्टेनियसली नहीं है पहले जीत लिया था तब पहुंचे थे ये साइमल्टेनियसली नहीं है देखिए राधा ने एग्ज़ाम देने से पहले रिवाइज किया ये साइमल्टेनियसली है हाँ है साइमल्टेनियसली जैसे ही रिवाइज किया वैसे एग्ज़ाम दिया रिवाइज किया एग्ज़ाम दिया तो ये क्या है साइमल्टेनियसली है ना तो ये पार्ट किस में बनेगा बी में बनेगा ठीक है साहिल क्लास पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी साइमल्टेनियसली है नहीं साइमल्टेनियसली नहीं है ये है ना बारिश पहले शुरू हो गई थी तब वो क्लास पहुंचा क्लास पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो गई थी तो बारिश बहुत पहले शुरू हो गई थी ठीक है आगे मैं पढ़ाने से पहले पूरा चैप्टर को लिखा तो ये क्या है साइमल्टेनियसली है पढ़ाने से पहले मैंने क्या किया पूरे चैप्टर को लिखा फिर पढ़ाने गया तो ये साइमल्टेनियसली है क्लियर तो एक को हम बना देते हैं फिर वो तीन को आपको बनाना है ध्यान दो हम लोग के स्टेडियम पहुंचने से पहले भारत ने मैच जीत लिया था पहला काम कौन सा हो रहा है जीतने का किसने जीता इंडिया हैड वन जीतने का क्या होता है विन वन वन इंडिया हैड वन द मैच बिफोर वी रीच द स्टेडियम क्लियर बन गया आसानी से कोई दिक्कत नहीं है जो आप लोगों ने पढ़ाया है पीछे वही सब करना है बाकी ये स्ट्रक्चर को याद कर लेना है आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोग बना लेंगे